अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे? इसी तरह पैसे भी हैं। आप इसके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएंगे। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो सुंदर हैं और महान हैं, जिनसे आपको भी अमीर बनने की इंस्पिरेशन मिले। इससे आप अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे को महसूस करेंगे। और याद रखें कि आप जो अपने दिमाग में बोएंगे वही काटेंगे। मैं भगवान के लिए थैंकफुल हूँ कि मेरे पास हमेशा पैसा आता रहता है, रुका रहता है और बढ़ता रहता है। मैं जितने चाहे उतने पैसे कमा सकता हूँ। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आपके पास वो पैसे आ चुके हैं जितना आप चाहते हैं। पैसे को एक एनर्जी की तरह सोचें और ये हमारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। पैसा सिर्फ हमारे थॉट्स और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। सोचिए अगर आपको अपने दिमाग की वो सीक्रेट पावर मिल जाए जो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सके और आपको ऐसी लाइफ दे सके जहां आपके पास सब कुछ हो। जोसेफ मर्फी की बुक थिंक योरसेल्फ रिच आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की डीप जर्नी पर ले जाएगी, जहां आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की चाबियां छुपी हैं और बस खुलने का इंतजार कर रही हैं। ये बुक पैसे से जुड़ी बाकी बुक जैसी नहीं है। ये ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलती है जहां सब कुछ पॉसिबल है। जोसेफ मर्फी माइंड पावर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इस अमेजिंग जर्नी में वही आपके गाइड होंगे। अपने टाइमलेस विजडम और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ मर्फी बताते हैं कि कैसे आपके थॉट्स और बिलीव्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को डिसाइड करते हैं। तो अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सीखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव भी आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा सकता है। जैसे जैसे आप थिंक योरसेल्फ रिच बुक की इस समरी को देखेंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ में उस पैसे और सक्सेस को लाने के सीक्रेट्स को ढूंढ लेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप दुनिया में खुशहाल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए आए हैं, और विश्वास करें कि आपको वो जरूर मिलकर रहेगा, क्योंकि असली वेल्थ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसे विश्वास की पावर से बाहर लाया जा सकता है। भगवान ने सबसे पावरफुल यूनिवर्सल पावर्स को इंसान के साथ जोड़ रखा है, जिन्हें आप अपने थॉट्स की पावर से अपने फेवर में उसे यूज करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अमीर और गरीब लाइफ के शुरुआती दिमाग से होती है। गरीबी और कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग की बीमारी है, और ये सोच आपको दुख और पैसों की कमी की तरफ ले जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए कमिटेड रहें और वो आपको जरूर मिलेंगे। उन बिलीव्स और थॉट्स को अपने आप से दूर कर दें जो आपको गरीबी की ओर ले जाएंगे, और इस सच पर ध्यान देने की आदत बनाएं कि आप जरूरत से ज्यादा पैसे और खुशी को पा सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग इन्हें सच बनाने के लिए काम करेगा। हमारे थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। हर थॉट्स लाइफ में सच होता है। खुश रहने, वेल्दी और हेल्दी बनने से लेकर कमी और लिमिटेशन के थॉट्स तक, आप जिन थॉट्स को शिद्दत से सोचेंगे और सच मानेंगे वो सच हो जाएंगे। जो आप महसूस करेंगे वैसी चीजें, सिचुएशन और लोग लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। इसलिए ज्यादा पैसे पाने के बारे में सोचें और महसूस करें कि वो आपको मिल गए हैं। इस मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके अमीर बनने के लिए सबसे पहले विश्वास करें। जब भी आप गरीबी या परेशानी में अपने आप को फंसा पाएं, तो किसी ऐसे इंसान के बारे में पढ़ें या मिलें जो उसी तरह की मुश्किलों से निकलकर अमीर बना है। इससे आपको प्रॉब्लम को दूर करने और नए रास्ते निकालने में हेल्प मिलेगी। जो आप अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए भी उसे देने की इच्छा रखें और उन्हें पाने के लिए प्रेयर करें। इससे आप पहले से ज्यादा खुश और अच्छा महसूस करेंगे। थॉट्स मैग्नेट की तरह होते हैं। जिन्हें आप ज्यादातर टाइम सोचेंगे वो सच हो जाते हैं। इसलिए अमीर बनने से रिलेटेड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले थॉट्स को ज्यादा सोचें। शांत मन से काम आसानी से हो जाते हैं, इसलिए अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस को रिलैक्स रखें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सोचकर मन को शांत रखें। जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड काफी अच्छे से काम करता है। कभी भी पास्ट की किसी घटना के बारे में शिकायत ना करें, बल्कि उनसे सीखें। अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करें और अच्छे फ्यूचर की आशा रखें। हर फाइनेंशियल सिचुएशन की जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करने के लिए जरूरी एफर्ट्स करें। जिन्हें नहीं कर सकते, उस बारे में यूनिवर्सल पावर पर विश्वास रखें कि वो ठीक होंगी। अपने कॉन्शियस माइंड में हमेशा ज्यादा पैसे के बारे में सोचें। प्रोग्रेस, शांति, बहुत ज्यादा पैसा, सही काम और सक्सेस के बारे में सोचें। क्योंकि जब आप लाइफ को ऐसे देखते हैं जिसमें हर चीज जरूरत से ज्यादा है, तो आपकी लाइफ में इन्हें ज्यादा बनाने के लिए छुपी हुई पावर्स एक्टिव होने लगेंगी। इसके अलावा अपने थॉट्स और विश्वास को कंट्रोल में रखते हुए बहुत ज्यादा पैसे पाने में विश्वास करने के लिए हर रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की साइलेंस में तुम्हें एक नई स्ट्रेंथ, एक नई होप और एक नई इंस्पिरेशन मिलेगी। सब अपनी इच्छा, प्लानिंग और एक्शन से शो करते हैं कि वो सच में अमीर बनना चाहते हैं, जबकि कई लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए या तो प्लानिंग नहीं करते या उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेते। जिस तरह पैसों के थॉट्स अमीर बनने को सच बना देते हैं, उसी तरह दूसरी चीजों के बारे में सोचे गए थॉट्स उसे सच बना देते हैं।
इस बारे में ऑथर एक लेडी के बारे में बताते हैं जो अपनी जवानी के दिनों से ही स्पेन के एक मशहूर होटल में जाना चाहती थी और उनकी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से उन्हें वहां जाने का मौका भी मिला। दरअसल अपनी शादी के बाद वो हस्बैंड के साथ उसी होटल में हनीमून के लिए गई। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड हर स्ट्रॉन्ग विल को सच बना देता है। एक 14 साल के यंग लड़की ने यूरोप जाकर गाइड बनने की पढ़ाई करने का सपना देखा। उसने उसे लिख लिया और रोज उसके बारे में अपने आप से पॉजिटिव बातें करता और इमेजिनेशन करता। उसकी मजबूत विल पावर और अच्छी प्रैक्टिस की वजह से 12th के बाद उसे यूरोप के कॉलेज में गाइड की पढ़ाई करने का मौका मिल गया। इसी तरह अमीर लोग हमेशा अमीर बनने और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। वो हमेशा ये सोचते हैं कि एंड में ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, अपने काम में ग्रो कैसे करें, और वो जरूरी एक्शन लेते रहते हैं, इसलिए वो अमीर बनते हैं। अमीर इंसान इसलिए अमीर बनता है क्योंकि वो ये मानता है कि वो उस हवा की तरह है जिसे वो सांस के रूप में अंदर लेता है, जिसे वो जितना चाहे उसके काबिल बनकर अपने पास रोक सकता है, इसलिए वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि गरीब लोग ज्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाए, मैं दिवालिया ना हो जाऊं, इसलिए इस तरह के अफर्मेशन अपने आप से करते रहें। मैं भगवान के लिए थैंकफुल हूँ कि मेरे पास हमेशा पैसा आता रहता है, रुका रहता है और बढ़ता रहता है। मैं जितने चाहे उतने पैसे कमा सकता हूँ। हमेशा अच्छे को एक्सेप्ट करने की इच्छा रखें और आशा रखें कि आपके पास जो भी कुछ आएगा अच्छा ही आएगा। ऐसा करके आप यूनिवर्स को अपने पास हमेशा अच्छी चीजें आने का मैसेज भेजते रहते हैं और हर रोज इमेजिन करें कि आप उतने पैसे के मालिक हैं जितने आप चाहते हैं। अपने आप से ये महसूस करवाने के लिए कि अमीर बनना आपका अधिकार है, इन प्रैक्टिस को करें। हमेशा भगवान के लिए थैंकफुल रहें, दूसरों के साथ प्यार और हेल्प करने की इच्छा रखें। दूसरे लोग अमीर बनाने के लिए आपकी परवाह करते हैं और उसके लिए जो भी जरूरी काम है उसे करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप भी भगवान का एक हिस्सा हैं। जब आप ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे कि जहां आपको पैसे और खुशी पाने के लिए भगवान की जरूरत है, वहां भगवान किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प करने आते हैं और आप पैसे, खुशी, अंदरूनी शांति और हर चीज बहुत ज्यादा पाने के दरवाजे खोल लेंगे। और याद रखें कि मजबूत विश्वास हमेशा रिजल्ट लाता है, चाहे वो सही हो या अंधविश्वास। इसके बारे में ऑथर एक लड़की की सच्ची कहानी बताते हैं। वो लड़का हकलाता था, उसको यकीन था कि अगर वो वहाँ सोएगा जहाँ स्पिरिचुअल गुरु सेंट केविन सोते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच बनाने के लिए काम करने लगा और जब उसको वहाँ जाने का मौका मिला तो उसका बोलना सच में बहुत इम्प्रूव हो गया। पैसे के बारे में मैजिकल थॉट्स ज्यादा पैसे को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे के बारे में सोचें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है। एक पुरानी कहावत है, पैसे से दोस्ती करो और वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। पैसे को भगवान के वरदान की तरह देखें जो हर देश में घूम घूम कर उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है। इसी तरह आप भी अपने आप को बताएं कि जितने पैसे की आपको जरूरत है वो आसपास ही है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को दिखाना शुरू कर देगा जिससे उतने पैसे हासिल किए जा सके। पैसों के बारे में अपना नया नजरिया अपनाएं। ये महसूस करें कि आप अपने काम के लिए अच्छी पेमेंट पाने के हकदार हैं। चाहे आप राइटिंग करते हो, टीचिंग करते हो, गार्डनिंग करते हो या कुछ और, जब आपके पास पैसा आए तो उन अच्छे कामों के बारे में सोचें जो आप कर सकते हैं। और जब भी पैसों की कमी हो तो उन अच्छे कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन अगर आप पैसों को नापसंद करते हैं या उसकी बुराई करते हैं तो खुद को अनजाने में गरीब बना लेंगे। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे? इसी तरह पैसे भी हैं। आप इसके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएंगे। पैसे को समझदारी और पेशेंस के साथ खर्च करें। अफर्मेशन करें कि आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। पैसे के बारे में जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो अपने आप को इमीडिएटली याद दिलाएं कि भगवान उतने पैसे मुझे दे रहे हैं जितने की जरूरत है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। इस मेथड को कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव और पैसे के पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स ने ले ली है। ऑथर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं कि इन तरीकों को अपनाकर उन्होंने पैसों के बारे में अपने नजरिए को बदला तो एक ही साल में अपनी सेल्स और इनकम को 5 गुना कर लिया। जब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसे, सक्सेस, सही काम, जरूरत से ज्यादा पैसे और खुशी के थॉट से भरना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनके बिहेवियर, थॉट्स, पोजीशन और पैसे में ग्रोथ होने लगी है। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें। इमेजिन करें कि आप उतने पैसे पा चुके हैं जितने आप चाहते हैं। सबसे पहले जितने पैसे आपके पास हैं उसके लिए दिल से थैंकफुल बने और इस तरह की बातें कहें, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे इतने पैसे दिए और ज्यादा देने वाले हैं। अपने और अपने साथ काम करने वाले लोगों की ग्रोथ की कामना करें
और इस तरह से प्रेयर करें, थैंक यू कि मैं और हम सब अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखें। पैसे कमाने का एक रास्ता बंद होने की उम्मीद के साथ दूसरे को ढूंढें और भरोसा करें कि इसे बेहतर मिलेगा। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो सुंदर हैं और महान हैं, जिनसे आपको भी अमीर बनने की इंस्पिरेशन मिले। इससे आप अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे को महसूस करेंगे। और याद रखें कि आप जो अपने दिमाग में बोएंगे वही काटेंगे। अपनी थॉट्स को देखें, क्या ये पैसे बनाने के बारे में क्रिएटिव और तैयार हैं? क्या ये ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं? क्या ये भगवान से ज्यादा पैसे की उम्मीद रखते हैं? और हिम्मत के साथ अपने आप को बताएं कि पैसे आपके पास बारिश की तरह बरस रहे हैं। इसे करते रहें और यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। ऑथर बताते हैं कि इस तरीके को लगातार करने से एक सैलून ओनर को काफी अच्छे रिजल्ट मिले। वो हर रोज अपने आप से विश्वास के साथ कहते कि भगवान मेरी लाइफ में बहुत शांति ला रहे हैं, वो मुझे ज्यादा काबिल बना रहे हैं, इसलिए ज्यादा कस्टमर मेरी शॉप में आ रहे हैं, मेरे कस्टमर खुश शांत और वेल्दी बन रहे हैं। इन थॉट्स को सोचने की आदत बनाने से उसे और उसके कस्टमर को पैसे और खुशी में ग्रोथ मिलने लगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते टाइम विश्वास के साथ महसूस करें कि यूनिवर्सल पावर आपकी हेल्प कर रही है सभी जरूरी टॉपिक्स को समझने और याद करने में और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आपके पास उतने पैसे हैं जितने आप चाहते हैं। यूनिवर्सल पावर हमेशा हमारे लिए काम करती है तब तक जब तक आप अपना पार्ट करने के लिए तैयार होते हैं। आप पैसे से जो भी पाना और बनना चाहते हैं उन इच्छाओं को एक लिस्ट बनाकर लिख लें। हर दिन कम से कम 3 बार इस लिस्ट को देखें और विश्वास के साथ अपने आप को बताएं कि ये पूरी होने वाली है। बस इसे करते टाइम कमिटेड रहें, जरूरी सिचुएशन और लोग अपने आप जमा हो जाएंगे और उन्हें सच कर देंगे। अगर आप अपने किसी काम या डील के सक्सेस होने को लेकर किसी डाउट में हैं, तो रिलैक्स होकर शांति से अपने आप से कहें कि भगवान की पावर मेरी हेल्प कर रही है और ये पावर दूसरों के दिलों में जाकर मेरे साथ काम करने के लिए उन्हें तैयार करेगी। उस इंसान के बारे में सोचें जिन्हें आपने डील करवाने की जिम्मेदारी दी है और इमेजिन करें कि वो पॉजिटिव डील के साथ आपको बता रहे हैं। इसे बार बार इमेजिन करें तब तक जब तक आप अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस ना करने लगे। अगर आपको घर बेचने में परेशानी हो रही है तो हर रात सोने से पहले इमेजिन करें कि उतने रुपए का चेक आपको मिल रहा है जितने में आप घर बेचना चाहते हैं। चेक के लिए थैंक यू कहें और इसकी रियलिटी को महसूस करें। चेक जमा करने वाले बैंक विंडो पर अपने आप को इमेजिन करें और बाकी के पूरे दिन थैंकफुल रहें। आप इसे सच में होते हुए पाएंगे। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आप उतने पैसे पा चुके हैं जितने आप पाना चाहते हैं। भगवान में विश्वास रखें कि हर चीज में ग्रोथ करने वाला भगवान है। उनके लिए सच्ची भक्ति और विश्वास आपको मनचाहे पैसे दे सकता है, इसलिए भगवान में विश्वास रखें। पैसा कमाने के कई रिसोर्सेज अपने पास रखें और इन्हें बढ़ाने के तरीके ढूंढें। पैसे की कमी, गरीबी या बीमारियों जैसे नेगेटिव टॉपिक्स पर बात ना करें। ऐसा करके आप लाइफ में और कमी को अट्रैक्ट करेंगे। अपने पास ज्यादा पैसे के लिए तैयार रहें। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना और अपने पैसे की कमी के बारे में बात करना बंद करें। अपने अंदर के थॉट्स और बाहर की उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर अपना ध्यान लगाएं जो आपको अमीर बनाएंगी। यही अमीर बनने की कुंजी है। अपने आसपास के सभी लोगों की ग्रोथ, सक्सेस और पैसे के लिए दिल से खुश हों और पॉसिबल हो तो खुशी जाहिर करें। ऐसा करके आप उतनी ही सक्सेस और पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, इसलिए दूसरों के बारे में आप जो सोचेंगे वो अपने बारे में महसूस करेंगे। पैसे के साथ हमेशा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें, चाहे वो एक सिक्का हो या हजारों का नोट या चेक। महसूस करें कि सब कुछ भगवान या इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से आता है और वो हमेशा देने के लिए तैयार है। आप जब भी सच्चे विश्वास और इच्छा से मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आप जो काम करते हैं उसमें अपना सबसे बेस्ट दें, आपके पास भी अच्छा ही लौट कर आएगा। फ्रेंडली बने, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, सभी के लिए रिस्पेक्ट रखें और दिखाएं, सभी की सक्सेस की कामना करें। ऐसा करने से आपके अमीर बनने और एक्सपैंड करने के कई दरवाजे खुल जाएंगे। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आप उतने पैसे पा चुके हैं जितने आप पाना चाहते हैं। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप यहाँ अमीर बनने और खुशी की लाइफ जीने आए हैं। अमीर बनने के लिए सेलिंग जरूरी है, इसलिए इंश्योर करें कि आप कुछ बेच रहे हैं, चाहे अपने स्किल्स, स्कोर्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कोई सामान या कुछ और। हमेशा याद रखें कि दुनिया डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर चलती है, इसलिए आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। और काम में लगे रहें। ऐसा करने से उन अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुल जाएगा और उनसे फायदा उठाने के लिए लोग और सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
अगर आप किसी देश में घूमना चाहते हैं तो उसके काम करें और प्रेयर करते टाइम ऐसा महसूस करें जैसे आपको जवाब मिल रहा है। हर उस जरूरी काम को करें जिसे किसी ट्रिप पर जाने से पहले करना जरूरी होता है और विश्वास करें कि आपकी जेब में पैसे हैं और बस तैयारी के बाद आप ट्रैवल के लिए निकलने वाले हैं। अब अपने आप को उस देश में घूमते हुए महसूस करें और ऐसा तब तक करें जब तक ये अपने सबकॉन्शियस में जाकर सच ना हो जाए। दूसरों की लाइफ में पैसे आने की प्रेयर करें और महसूस करें कि भगवान के पास बहुत पैसे हैं, वो उन्हें भी दे रहे हैं और आपको भी। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आपके पास वो पैसे आ चुके हैं जितना आप चाहते हैं। द पावर ऑफ चॉइस लाइफ में पैसे लाने या गरीब बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, इसलिए आप चुने की चीजें सच्ची, प्यारी, नेक और भगवान के आशीर्वाद से पॉजिटिव हैं। उन थॉट्स और एहसासों को चुने जो आपको सेटिस्फाई, खुशहाल और हेल्दी बनने में कंट्रीब्यूट करते हैं। सही चॉइस से आप अपने अंदर की पावर्स को जगा सकते हैं। हर सुबह उठने के बाद अपने आप से कहें कि भगवान के सही काम मेरे हैं। यूनिवर्सल पावर मेरी लाइफ को कंट्रोल करती है, मेरी लाइफ में शांति लाती है, प्यार लाती है, पावर लाती है। अच्छी आदतें अपनाने से अमीर और खुशहाल बनने के लिए जरूरी कामों को करने में हेल्प मिलती है। लाइफ हमारी चॉइसेस से बनी है। आपके सभी एक्सपीरियंस आपकी पसंद का रिजल्ट है। आप ध्यान से देखें कि आप वो बुक पढ़ रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कार चला रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं जो सच में पसंद करते हैं। आप दिन भर जो सोचते हैं वही सच होता है। इसलिए प्यारी, अमीर बनाने वाली चीजों और थॉट्स को चूज करें। यूनिवर्सल पावर आपके थॉट्स, फीलिंग्स और चूज की हुई चीजों पर रिस्पॉन्स करती है। यूनिवर्स इंसान के साथ तब तक काम नहीं करता जब तक वो अपने आप को वैसा महसूस करना शुरू ना कर दे जैसा बनना चाहते हैं। जब कभी सही डिसीजन लेने में परेशानी लगे तो अपने दिल से आवाज सुने और महसूस करें कि भगवान इसका सही जवाब जानते हैं। अगर आप डिस्टर्ब हैं और सोच रहे हैं कि दोनों में से किसे चुने तो विश्वास के साथ इसे करें। लगातार सही जवाब के बारे में सोचते रहें और यूनिवर्सल पावर से आपको जवाब जरूर मिलेगा। जब सॉल्यूशन सिंपल होता है तो भगवान जवाब देते हैं, तो इसका मतलब भगवान जवाब दे रहे हैं। याद रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी सिक्योरिटी चाहता है, इसलिए इसके इंटरनल मैसेजेस को सुने। जब स्ट्रेस में हो तो शांत मन से अंदर की आवाज सुने। अंदरूनी आवाज हमेशा लगातार इमोशनली बोलती है और महसूस करने से अंदाजा करवा देती है कि जो करने की आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये पावरफुल आवाज हमेशा आपके दिमाग में मौजूद थॉट के नेचर से रिलेटेड सजेशन ही देगी। अगर आप आमतौर पर गरीब या एवरेज बनने को सही मानते हैं तो ये एवरेज बनने की रीजन देगी कि एवरेज बनना क्यों सही है। वहीं अगर आप अमीर बनने, ज्यादा पैसे कमाने और दूसरों के साथ खुद भी आगे बढ़ने को सही मानते हैं तो ये वैसा बनने के रास्ते सजेस्ट करेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि जिस पर आप ध्यान देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सबकॉन्शियस माइंड से जवाब मिलेंगे। एक्टर, पॉइट्स और इन्वेंटर जैसे क्रिएटिव लोग अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और अंदर की नॉलेज से बाहरी दुनिया को बेहतर बना देते हैं। ऑथर इससे रिलेटेड एक कहानी बताते हैं। एक बार एक जापानीज लड़के ने अंदरूनी आवाज सुनी कि कल उस फ्लाइट में मत जाओ और उसने उस बात को माना। इसके तुरंत बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन खतरों के बारे में जानता है जो शायद हमें आंखों से दिखाई ना दे रहे हों। प्रेयर करने के तुरंत बाद उससे रिलेटेड जो इमोशन आप महसूस करते हैं वो अक्सर सही होते हैं, इसलिए सही डिसीजन लेने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमीर बनने के लिए आप अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आप उतने पैसे पा चुके हैं जितने आप पाना चाहते हैं। याद रखें, आप पूरी दुनिया में यूनिक हैं। आप जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपके पास यूनिक क्वालिटीज, स्किल्स और अंदाज है। जब आप विश्वास करके अपने आप से बात करते हैं तो यूनिवर्स इन यूनिक क्वालिटीज को बाहर लाने के रास्ते खोल देता है। विश्वास के साथ महसूस करें कि आप मनचाहे काम को करते हुए पैसे कमा रहे हैं। बच्चों को सिखाएं, जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे वैसे वैसे आप में और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस की फीलिंग स्ट्रांग होगी। विश्वास के साथ अपने आप को याद दिलाएं कि आपके थॉट्स क्रिएटिव हैं। आप जो महसूस करते हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी थॉट जिसे सच माना जाता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालेगा और सच हो जाएगा। ये नॉलेज आपके माइंड में आपके विश्वास को मजबूत करेगी और इसकी रियल लाइफ में प्रैक्टिस अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सक्सेस को बढ़ाने के लिए हर सुबह शीशे में देखकर अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, जैसे मेरे साथ भगवान और यूनिवर्सल पावर है तो मेरे अगेंस्ट कौन हो सकता है। मैं उस भगवान की पावर के साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो सबसे ताकतवर है। इसे हर रोज करने की आदत बनाएं। आप सभी अच्छी चीजों को लाइफ में पाने के लिए कॉन्फिडेंस से भरने लगेंगे। लाइफ में हमेशा सबसे अच्छा करने और पाने पर जोर दें, क्योंकि अच्छे की उम्मीद और एक्शंस अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं और एवरेज के रिजल्ट्स एवरेज लाते हैं।
अपनी मेंटल इमेजेस में अपने आप को हमेशा अमीर और खुशी देखें, चाहे आज की सिचुएशन कुछ भी हो। और याद रखें कि हर सवाल का जवाब होता है, इसलिए आपके अमीर बनने के रास्ते में भी यूनिवर्स मौजूद है और वो सब कुछ आपको जल्द ही मिलेगा, क्योंकि जिसने इस पूरे यूनिवर्स और उस सवाल को बनाया है उसने इसका जवाब भी जरूर बनाया होगा। अगर आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई थॉट हो या सामान, महसूस करें कि जिसे उसकी जरूरत है वो भी आपको ढूंढ रहे हैं। इससे आप कॉन्फिडेंट और खुश फील करेंगे। दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग में से एक प्यार है। ये प्रॉब्लम से फ्री करता है, काम को अच्छे से करने की इंस्पिरेशन देता है और मन को सुकून देता है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उससे प्यार करें, या वो करें जिससे प्यार हो। आप अपने थॉट्स, मेंटल इमेजेस, फीलिंग्स, एक्शंस और रिस्पॉन्सेस के राजा हैं, और अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ठीक वैसा चला सकते हैं जैसे कार चलाते हैं। अपने आप से, भगवान से या सबकॉन्शियस माइंड से प्यार करने का मतलब है कि आप इनमें विश्वास करते हैं जो आपके लिए सही चीजों को जानते हैं और उसे पावर देते हैं जो आपके लिए सच में फायदेमंद हो। अननेसेसरी थॉट्स और फीलिंग्स को दूर कर देते हैं। प्यार की फीलिंग के साथ इमेजिन करें कि आप वो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। इससे सक्सेस होने की फीलिंग मजबूत होने लगेगी। प्रॉब्लम में अपने आप से इस तरह की अफर्मेशन करें, भगवान मेरे साथ है और उनकी सबसे पावरफुल पावर के साथ मैं हर अच्छी चीज को हासिल कर सकता हूँ। 90% लोग लाइफ में फेल होते हैं या दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन दूसरों की या तो नहीं चाहते या प्रेयर नहीं करते। अमीर लोगों की तरह आप अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशी और अमीर बनने की प्रेयर करें। अगर कभी गलती से आपके मन में दूसरों की ग्रोथ या पैसे के लिए नेगेटिव आए तो तुरंत उन्हें थैंकफुल थॉट से बदल दें और इस तरह की अफर्मेशन करें कि थैंक यू कि वो इतने खुश हैं, उनके पास इतने पैसे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से कहें, मैं आपसे प्यार करता हूँ, भगवान आपसे प्यार करते हैं। इसे महसूस करें, इस पर विश्वास करें, अफर्मेशन करें और इमेजिनेशन करें, क्योंकि प्यार शादी को मजबूत बनाता है। इसी के साथ ही अमीर बनने के लिए अपने आप से पैसे, सक्सेस और अमीरी के बारे में पॉजिटिव बातें करें और इमेजिन करें कि आप उतने पैसे पा चुके हैं जितने आप चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक थिंक योरसेल्फ रिच की बुक समरी। इस वीडियो से हमने अमीर बनने के तरीकों के बारे में डिस्कस किया कि कैसे अपने माइंड, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन और रिस्पॉन्सेस को सही तरीके से यूज करके आप अपनी लाइफ में पैसे और खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी लेसन सीखे होंगे और अब इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएंगे ज्यादा अमीर और खुशहाली की लाइफ बनाने के लिए। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आई अट्रैक्ट अबंडेंस। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।